तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते, तुम्हारे ये बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए होटल इंडस्ट्री में आए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जितनी तुम्हारी चादर है उतने पैर पसारो, अपनी औकात में रहो, या यही सारी ढेर सारी गालियाँ। अगर आप इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, तो आपने ये सारे शब्द सुने होंगे और यही सारे शब्द आपने अपने जूनियर्स को भी कहे होंगे। कहीं ना कहीं आप इस गालियों का और इन सब चीज़ों का हिस्सा जरूर रहे होंगे। और वो सारे स्टूडेंट जो इस लाइन में आना चाहते हैं और जिनका सपना होता है कि उन्हें एक बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल शेफ बनना है, और वो यही सारी बातें सुन के अपने मन में विचार कर लेते हैं कि जो भी उनके बारे में ये बोला जा रहा है, जो भी वो सुन रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सब भी ऐसा ही सोच रहे हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएँ कि जो दूसरे बोलते हैं अगर हम लोगों को मान लेते हैं तो हम लोग वैसे ही बन जाते हैं, पर वहीं अगर हम उनकी बातों को इस तरीके से लें कि भाई वो हमारे लिए एक तरीके से चैलेंज है, तो हम लोग लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो सुना होगा, बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक थे। बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिया गया, उनकी माँ को एक लेटर दिया गया, उनको नहीं बताया गया, उन्हें बोला गया कि इस लेटर को लेके आपको अपनी माँ को देना है और कल से आपको स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 7 साल उस टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र थी। लेटर में लिखा पड़ा था कि तुम्हारा जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, हम अपने स्कूल का नाम खराब नहीं करना चाहते हैं, अब हम इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, आपको अब अपने बच्चे को खुद ही घर पे पढ़ाना होगा, हम इसे यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। जब आइंस्टाइन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ इस लेटर में क्या लिखा है, तो उसकी माँ ने उससे बोला, बेटा इस लेटर में लिखा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक प्रतिभा के धनी हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, इस स्कूल के जो टीचर हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने बोला है कि तुम अब अपने घर में ही रहो और घर में ही पढ़ाई करो। उस छोटी सी कहानी को सुनकर, उस छोटी सी झूठी बात को सुनकर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में इस तरीके से काम हुआ, जो एक बच्चा मूर्ख था वो बाद में जाके एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक मिला। जब काफ़ी समय के बाद उनकी जो माँ की डेथ भी हो गई, उनको वो लेटर मिला जिसमें लिखा पड़ा था कि तुम्हारा लड़का बहुत ही मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर सकता, हमारे स्कूल का नाम डुबो देगा, हम इसका नाम अपने स्कूल से काट रहे हैं, कल से इसे आने की ज़रूरत नहीं है। वो लेटर देख के उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि जो शब्द उनकी माँ ने कहे थे उन्होंने उनको पूरा करके दिखाया। तो सेम आप लोगों के लिए भी यही है कि दूसरे क्या आपको बोल रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप लोग ये नहीं कर सकते, आपको उन चीज़ों को नहीं सुनना है। उन चीज़ों के लिए आपको अपने कान के दरवाजे और अपनी आँखों के दरवाजे बिल्कुल बंद करने रहे हैं। आपको सिर्फ उनसे वही चीज़ें सीखनी हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं। आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो आपको अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग मिलेंगे, आपको उनकी अच्छाइयाँ उनसे लेनी है, उनकी कला उनसे लेनी है, उनसे उनकी बात करने का तरीका, उनके स्किल्स उनसे लेने हैं, चाहे सॉफ्ट हो हार्ड हो, और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप मान लोगे कि उनकी बातें सुन के कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तो रियली आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, पर वहीं अगर आप उनकी बातों में को विराम लगाकर लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे तो आप इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे कि आप खुद ही सोच नहीं सकते हो। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें या अपने आप को खुद को रिलेट करें, तो आप देखेंगे कि जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, आप वही बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, कभी भी अपने सपनों को लिमिट मत कीजिएगा। सिर्फ एक शेफ बनना आपका सपना अब नहीं होना चाहिए। सन 2020 है, शेफ के आगे बहुत ही सारी पोजीशंस आ चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुनिया आगे बढ़ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप भी आगे बढ़ें, तो दूसरों की बातें सुनिए, सिर्फ उतनी ही सुनिए जितनी आपको सुननी चाहिए, उससे आगे लाइफ आपकी खुद की आपका कैरियर है। सिर्फ शेफ नहीं बनना है, एक इतना अच्छा इंसान बनना है कि पूरी दुनिया आपको देखे और आपकी तरह बनने की कोशिश करे। उम्मीद करता हूँ
ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी ये लर्निंग्स आप लोगों के काम आएगी। साथ साथ अगर आप चाहते हैं मेरी लर्निंग्स और मेरी बुक्स या मेरे किसी भी प्रोग्राम्स को लेना, तो मेरे नीचे नंबर व्हाट्सअप का है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा हर किसी के साथ, ताकि वो भी जो दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों की बातें जो सुनते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, उनके लिए एक ये एक एक तरीके से उनके लिए एक मोटिवेशन की कहानी हो। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।